हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू यूज नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं? जब आप किसी लूप के अंदर फिर से एक लूप यूज करो, उसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। तो आप एक बार यूज करो, दो बार यूज करो या 10 बार यूज करो, आप उसको नेस्टेड लूप ही बोलते हो। तो पहले हम ये सीखेंगे कि आपको कब पता चलता है या कैसे पता चलता है कि नेस्टेड लूप यूज करना है, और फिर उसे कैसे कोड किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नेस्टेड लूप कब यूज करना चाहिए, ये बहुत ही एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही समझ में आता है। आप जितना ज्यादा कोड करते जाओगे, आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, और आपको ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक सिंगल लूप से काम नहीं चलने वाला, एक से ज्यादा लूप्स लगाने पड़ेंगे। ऑनेस्टली नेस्टेड लूप्स बहुत अच्छा सोल्यूशन होते नहीं है, बिकॉज जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है नेस्टेड लूप्स का वो एन स्क्वायर होता है। अगर आप दो नेस्टेड लूप्स यूज कर रहे हो, अगर आप तीन यूज कर रहे हो, तो एन क्यूब हो जाता है। मतलब इनपुट जैसे जैसे बड़ा होगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उतना ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, बट अगेन कुछ प्रॉब्लम्स में कोई सोल्यूशन ही नहीं होता, आपको नेस्टेड लूप लगाना ही पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हो और आपको ये पता करना है कि आपके हर यूजर के कितने फ्रेंड्स हैं, राइट? इन दैट केस आपको एक लूप चलाना पड़ेगा सारे यूजर्स के लिए, और फिर एक और लूप चलाना पड़ेगा हर यूजर के अंदर घुस के ये पता करने के लिए कि उसने उसके कितने फ्रेंड्स हैं, राइट? वन मोर एग्जांपल कुड बी इन अ बैंकिंग सिनेरियो, जहां पे आप ये पता करना चाहते हो आपके हर यूजर के कितने ट्रांजैक्शंस हुए। तो फिर से एक लूप चलेगा सारे यूजर्स के लिए, और फिर दूसरा लूप चलेगा आपके उन हर यूजर के ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कोडिंग करने के लिए, जिसमें आपको नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ती है। और ये बहुत फेमस एग्जांपल है, अगर आपने किसी भी और लैंग्वेज में कोडिंग किया होगा तो आपको कभी ना कभी इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा। इसको इफ आई रिमेम्बर करेक्टली पास्कल ट्राइंगल शायद बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली, बट या हमें ये सीक्वेंस प्रिंट करना है एस्ट्रिक्स का, ठीक है? अब ये सीक्वेंस कितना भी बड़ा हो सकता है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 रोज लिए हैं, बट हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जहां पे हम यूजर से पूछेंगे कि उसको कितने रोज में ये सीक्वेंस चाहिए। अब अगर आप इस सीक्वेंस की बात करो तो पहले रो में एक एस्ट्रिक है, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार, और फिर पांचवे में पांच। सो जितना नंबर ऑफ रोज है उस पर्टिकुलर रो में उतने ही एस्ट्रिक्स होंगे, ठीक है? तो ये करने के लिए एक्चुअली आपको दो लूप्स लगाने ही पड़ेंगे, एक सिंगल लूप से इसका काम नहीं हो पाएगा। तो लेट्स सी ये प्रोग्राम आप कैसे करोगे। सबसे पहले हम यूजर से पूछेंगे नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ रोज बोल के, और मैं इंट में कन्वर्ट करके इनपुट में यूजर से पूछ रहा हूँ एंटर द नंबर ऑफ रोज। फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक लूप चला रहा हूं फॉर आई इन द रेंज ऑफ 1 से लेकर के रोज प्लस 1 तक, ठीक है? मतलब अगर यूजर ने मुझे बोला कि मुझे 5 रोज प्रिंट करने हैं, तो ये लूप कहां से कहां तक चल रहा है, 1 से लेके रोज प्लस 1 मतलब 6 तक। तो 1 2 3 4 5 तक ये लूप चलेगा 5 बार, ठीक है? तो यहां तक तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, हर बार हर पर्टिकुलर रो में उतने ही एस्ट्रिक्स प्रिंट करने हैं जितना उसका रो नंबर है, ठीक है? मतलब अगर सेकेंड रो में हो तो 2 एस्ट्रिक, फोर्थ रो में हो तो 4 एस्ट्रिक। तो हम यहाँ पे एक और लूप चला रहे हैं फॉर जे इन द रेंज ऑफ 0 से लेके i का करेंट वैल्यू। सो i का करेंट वैल्यू अगर 1 है, क्योंकि सोच के देखो जब ये बाहर वाला लूप स्टार्ट होगा तो सबसे छोटा i का वैल्यू जो होगा वो 1 ही हो सकता है, तो इन दैट केस अंदर वाला लूप सिर्फ एक बार चलेगा। अब अगर i का वैल्यू 2 हो गया तो ये अंदर वाला लूप 2 बार चलेगा, अगर i का वैल्यू 3 हो गया तो अंदर वाला लूप 3 बार चलेगा, और हर बार मुझे क्या करना है, हर बार मुझे प्रिंट करते जाना है एस्ट्रिक। बट जो एस्ट्रिक मुझे प्रिंट करना है वो साइड बाय साइड प्रिंट करना है फॉर एवरी रो। बट आपको पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट में जैसे आप प्रिंट स्टेटमेंट बार बार लिखते हो लाइन चेंज हो जाता है, तो उससे बचने के लिए मैं एंड पैरामीटर का वैल्यू सेट कर रहा हूं टू बी इक्वल टू अ स्पेस, ठीक है? और उसके बाद मैं अंदर वाले लूप से बाहर निकल गया, और बाहर वाले लूप के अंदर मैंने लिखा सिंपली लाइन चेंज करने के लिए नथिंग, एंड दैट्स माई कोड गाइज। सो अगर मैं यहां पे लिखूं 10, ये देखो दिस इज द आउटपुट, राइट? सो दैट इज हाउ दिस कोड वर्क्स। अब मैं आपको ये कोड एक बार विजुअलाइज करके दिखवाता हूं यूजिंग अ टूल जो हम इस कोर्स में आगे बहुत बार यूज करेंगे, इट्स कॉल्ड पाइथन ट्यूटर। ये एक टूल है जहां पे आप स्टेप बाय स्टेप पाइथन के कोड्स को एग्जीक्यूट होते हुए देख सकते हो, ठीक है? सो मैं यहां पे पेस्ट कर रहा हूं, और मैं यहां पे सिंपली 6 लिख दे रहा हूं,
ठीक है, और विजुलाइज एग्जीक्यूशन पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई देगा गाइस, इस जगह पे आपको आउटपुट दिखाई देगा। सो मैंने सबसे पहले अभी रेड कर्सर बता रहा है नेक्स्ट कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो अभी ये लाइन नंबर 1 पर है, तो मैंने नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक किया तो इस पॉइंट पे आई का वैल्यू कितना है 1, अब आपका नेक्स्ट लाइन होगा 2, जे का भी करंट वैल्यू कितना है 0, अब आप प्रिंट करोगे एस्ट्रिक और वो एस्ट्रिक यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब सिंस आप लूप के अंदर हो, आप वापस ऊपर आ गए और आप बाहर आ गए, क्योंकि एक ही बार अंदर वाला लूप चलेगा, तो अब आप अंदर वाले लूप से बाहर आ गए और प्रिंट स्टेटमेंट को आपने प्रिंट किया और लाइन चेंज हो गया, ठीक है। अब आप वापस गए और आई का वैल्यू आपने इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया। अब ध्यान देना, अंदर वाला लूप 2 बार घूमेगा, सो पहली बार घूमा एस्ट्रिक प्रिंट हुआ, फिर से दूसरी बार घूमा एस्ट्रिक प्रिंट हुआ, तीसरी बार नहीं घूमेगा तो आप लाइन नंबर 4 पे आ जाओगे और आप लाइन चेंज कर लोगे, ठीक है। फिर अब आई का वैल्यू आपने अपडेट करके 3 कर दिया, अब अंदर वाला लूप 3 बार घूमेगा, ये देखो 1 बार 2 बार 3 बार, और अब आप लाइन चेंज कर दोगे, अब आई का वैल्यू 4, अब अंदर वाला लूप 4 बार घूमेगा और लाइन चेंज, अब आई का वैल्यू 5, अब अंदर वाला लूप 5 टाइम्स घूमेगा और लाइन चेंज, और अब आपका बाहर वाला लूप भी खत्म। दिस इज द आउटपुट ऑफ योर कोड, ठीक है। तो दिस वॉज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल जहां पे आपको नेस्टेड लूप्स यूज करने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। आगे भी कई बार ऐसा सिनेरियो आएगा जहां पे आपको नेस्टेड लूप्स यूज करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इट्स ओके, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव टू थिंक लॉजिकली और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट्स।